और मेरा सर दर्द कर रहा है जोरदार वाला। ऊपर ये 108 फीट की लंबी है। कपड़े वपड़े सब खोलने नहीं है, देखो मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? तो दोस्तों लगभग रात के बज रहे 9, लगभग बज रही है 9 से ऊपर बज रही मतलब। और उस जो फर्स्ट एपिसोड आपने देखा उस वीडियो की एडिटिंग अब कम्प्लीट हुई है, और वो वीडियो आपने शायद देख लिया होगा क्योंकि वो वीडियो 3 GB का तुमने अपलोड नहीं किया अभी तक। और आई होप सो आपने वीडियो देखा होगा, लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा और शेयर भी किया होगा उसको। और अब मैं जा रहा हूँ बाहर, 9 बज चुके हैं। थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, भूख थोड़ी हल्की भूख लग रही है, ज़्यादा लग रही है क्योंकि खाना थोड़ा पहले खाया था, 3-1 बजे खाया था अपने। सो अब चलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और वहाँ पे जो घाट है वहाँ पे घूम के आते हैं। वहाँ पर नेट में क्या सीन रहता है, नेट पर क्या व्यू होता है वहाँ जाके देखते हैं। और थोड़ी देर मेरे इस घड़ी से बातें करते अपन। तो घड़ी जी बताइए अभी यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री है अभी। अच्छा तो बताओ मैं सिंगल क्यों हूँ? क्योंकि तेरे नकल नहीं है। अच्छा चल बता कल कहाँ जाएंगे अपन? कल की बात कल करेंगे, आज नहीं करनी। वाह कम बोल, चल बाहर घूम के आते हैं। ठीक है। दोस्तों अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वही जगह है जहाँ पर 3 घंटे पहले यानी 5:30 बजे लगभग यहाँ पर लगभग 500 से 1000 लोग यहाँ पर फुल इकट्ठे थे, फुल आरती में थे। अभी यहाँ पर 10 या 15 लोग ही दिख रहे होंगे आपको, पूरे पिछले से तो पूरा सन्नाटा यहाँ पर। और नाइट में मेरे हिसाब से 5:30 बजे बाद यहाँ पर पब्लिक नहीं होती है क्योंकि मंदिर भी बंद हो गया है और सारा पूरा यहाँ का व्यू है पूरा बंद हो चुका है। देख सकते हो आप मंदिर वगैरह सारा बंद हो चुका है और पब्लिक का लास्ट सीन है वो 5:30 बजे 6 बजे तक लास्ट तक रहती है, फिर उसके बाद सब जाके होटलों में छुप जाते हैं। और अभी यहाँ का जो टेम्परेचर हो रहा है वो हो रहा है 15 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर शाम को मेरे हिसाब से ठंड कम लगती है क्योंकि मेरे को ठंड कम ही लग रही है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 डिग्री 7 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है यहाँ पर। और थोड़ी देर बारिश हुई थी फिर भी वो ठंड कम ही लग रही है, मेरे को इतनी ठंड लग रही है उदयपुर से कम ही लग रही है ठंड मेरे को यहाँ पर अभी। तो कोई मतलब है नहीं, जाते हैं उधर नाश्ता वास्ता करते हैं फिर जाके अपन भी सो जाते हैं। जो आप ये सामने जो घाट देख रहे हो ये अस्थि प्रवाह घाट, यहाँ पर अस्थियाँ बहाई जाती है। इट्स जस्ट अपोजिट उस साइड में नाई घाट जहाँ पर जो बाल काटते हैं वो उस साइड में काटते हैं। और अभी पब्लिक बिल्कुल नहीं है। दोस्तों बाहर कुछ मतलब नहीं था, पूरी पब्लिक खाली थी। तो वापस आ गया मैं होटल पे और नाश्ते में लेके आया हूँ मैं फल फ्रूट। ये अपना आज का नाश्ता मतलब शाम का लंच बोलो डिनर बोलो जब भी बोलते हैं इसको, क्योंकि भूख कम थी मेरे को तो ये लेके आ गया हूँ। 20 रुपये का आधा किलो दिया इसने, यहाँ इधर सस्ता मिलता है मेरे साथ ककड़ी बोले तो पपीता। तो खाते पीते हैं फिर सो जाते हैं, मिलते हैं अपन मॉर्निंग को। ठीक है। तो दोस्तों सुबह के बज रही है, सुबह के 8 बज रही है और मेरा सर दर्द कर रहा है जोरदार वाला, एकदम कर रहा पी पी कर रहा पूरा। पता नहीं मौसम चेंज हुआ है या ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, पता नहीं क्या हुआ है। और नीचे चलते हैं अपन, नाश्ता वास्ता करते हैं फिर टेबल लेते हैं। और दोस्त भी आने वाला है 11 बजे तक, तो होटल का चेकआउट भी 12 बजे तक है। तो चलते नीचे नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर शायद अपन वो आएगा और शायद ऋषिकेश जाने का प्लान है। तो बस चेक करते हैं क्या का सीन है यहाँ का जाने का। तो चलते हैं। तो ये है अपने सुबह का नाश्ता, पता नहीं क्या है किसे बनाए, कचौरी थी साथ में और भी कुछ था, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ है। ये हरिद्वार का स्पेशल नाश्ता, वाहफुल। मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं हूँ एक घाट के ऊपर और जस्ट इस साइड में है ये अपना मूर्ति वाला टेम्पल।
यहाँ पर कल शाम को आप जा नहीं पाए थे मैं, तो अभी जा रहा हूँ मैं। और तो क्या, नाश्ता तो हो चुका है। नाश्ता अलग ही स्वाद था, अलग ही टेस्ट था, पर अच्छा था। और वो नाश्ता वाला साहब आपने जो हर की पौड़ी का जो मेन गेट है जस्ट सामने साइड में, 30 रुपये का नाश्ता है, शानदार नाश्ता है। तो चलते हैं और ये मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। ये है अपना पूरा हर की पौड़ी घाट, पूरा घाट है पूरा यहाँ पे। तो दोस्तों मूर्ति का पूरा एक्सप्लोर कर लिया अपन ने। मूर्ति है 108 फीट ऊपर, ये 108 फीट की लंबी है मूर्ति। और जस्ट मेरे अपोजिट साइड में है अपने महाराज जी पहले तो, और उसके बाद है ये पुलिया। पुलिया भी शानदार दिख रहा है उसे। और ये पुलिया अपना ऋषिकेश और देहरादून वाला नेशनल हाईवे है यहाँ का। और ये पूरा यहाँ का गार्डन है। और ये अपने महादेव, हर हर महादेव। तो चलते हैं वापिस हर की पौड़ी और दोस्त का वेट करते हैं। और थोड़ा तो क्या, चाय पीते हैं, चाय नहीं पिए अभी सुनते हैं, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत सुंदर मिलती है। चाय मेरे को पसंद बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, इतनी मीठी चाय देते हैं बस क्या बोलूँ। बोलो फीकी बनाओ तो भी मीठी बनाता वो। और चलते हैं, देखते हैं अब आगे क्या सीन है। तो अब मिली है चाय, स्पेशल चाय मेरी, सबसे अच्छी चाय मिली है अब मेरे को। दो दिन हो गए कल आया था, एक दिन हो गया है। और शानदार चाय मिली मेरे को जस्ट अपने मूर्ति के जस्ट बाहर। स्टॉल है बयाजी का, स्टोर है ये स्टॉल। और नेशनल हाईवे जस्ट अपोजिट इधर बैठा हूँ, ये अपना नेशनल हाईवे इधर, और यहाँ बैठा हूँ मैं। ये चाय अच्छी थोड़ी। तो अभी मैं जा रहा हूँ हरिद्वार से ऋषिकेश डेम्बो में, डेम्बो का लोकेशन। और कैमरे के पीछे है भाई लोग, इनसे मिलाऊंगा मैं आपको करने के बाद शादी से। वो यहाँ का किराया है हरिद्वार से अपने ऋषिकेश का 50 रुपये किराया है इसका। टेम्पो में जा रहे हैं तो जाओ तो बस में भी जा सकते हो आप, जाओ तो आप बस में टेम्पो में भी जा सकते हो। वहाँ जाते हैं और देखते हैं ऋषिकेश का पूरा माहौल कैसे रहता है। ऋषिकेश सिंह गलियों में राम जुले के जस्ट पास में है। और तीन जो अपने लिए सरप्राइज थे, ये तीनों भाई, ये भाई नाम फिर भूल गया, ये है रिजवान भाई, ये है गौतम भाई, और ये अंकुश भाई जो मेरे ऑफिस में अपोजिट साइड में बैठते हैं, सीटिंग के जस्ट पास में बैठते मेरे। और पूरे अभी अपन जाएंगे थोड़ी देर बाद 12 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, वहाँ से राफ्टिंग करेंगे फुल नदी में, पानी में घंटे लगाएंगे पानी में। और फिलहाल खाना ढूंढ रहे हैं, खाना मिल जाए अच्छा, सुबह से हैं भूखे। तो देखते हैं पूरा दिन का आज मज़ा, अब मैं भी अकेला नहीं हूँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी अपन ये खाने वाले यहाँ पर, और ये हमारा लंच नहीं, हाँ ये अपना लंच है। और छोटे वाला एक फेमस है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। यहाँ का व्यू बहुत पावरफुल है, एकदम बीच के जस्ट पास में ही है अपन, बीच के नदी के जस्ट पास में। तो पहले वो हम हो गए तैयार हो चुके हैं,
कपड़े वपड़े सब खोलने नहीं है, जैकेट खोलना है, जूते खोलने यहाँ पर, और हमारा सामान बड़ा है यहीं पे इसके ऑफिस में बाइक है, और बाहर की लोकेशन है ये अपने ये वाली। तो अब हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, 12 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से ब्रुक पानी मंगाएंगे, पानी में नहाएंगे, घंटे वंटे देंगे और देखते हैं आगे क्या सीन। मैंने बताया मेरी फर्स्ट ट्रैकिंग है इसलिए। तो ये है अपना विपुल भाई, जिनसे आप मेरे वीडियो में फर्स्ट बार मिल रहे हो, और विपुल भाई का फ्रेंड गौतम भाई, और एक और बार हीरो। तो भाई लोगों, हम अभी एक कार के अंदर अब जा रहे हैं ऊपर 12 किलोमीटर ऊपर, और वहाँ से आएंगे पानी में राफ्टिंग करते करते। इधर भाई और इधर भाई, मेरे इस भाई को टेंशन काफी हो रही है, भाई को टेंशन हो रही है ठंडे मरने की। GoPro का है, और GoPro चार्जर, GoPro से शूटिंग पावर बैंक, म्यूजिक, और मैं जा रहा हूँ पीछे। पहले मांगेंगे आपको 600, फिर मांगेंगे 300, और इसमें भी बैठेंगे अपन, और फुल रख।